यूक्रेन में फंसा शिवपुरी का मेडिकल छात्र, वीडियो के जरिए सरकार से की मदद की अपील। रूस और यूक्रेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद के चलते रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस हमले में रूस ने यूक्रेन के कई सैनिक अड्डे के साथ रिहायशी इलाकों को तबाह किया है। वहीं यूक्रेन में अलग अलग देशों के नागरिक फंस गए हैं, कई हमले का शिकार हो गए हैं। भारत देश के शिवपुरी जिले के रहने वाले मेडिकल कॉलेज के छात्र हिमांशु राज मौर्य, जो कि यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई करके मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रहा है, उसने वीडियो के जरिए सरकार से मार्मिक अपील करते हुए जल्द ही वहां से निकालने को कहा है। आपको बता दें कि हिमांशु के पिता VS मौर्य श्योपुर जिले के जेलर हैं, उनकी मां कलेक्ट्रेट में पदस्थ हैं। हिमांशु के द्वारा जारी किए गए वीडियो के बाद परिजन काफी चिंतित हैं। वीडियो के अनुसार हिमांशु ने बताया कि वो यहां पर फंस गए हैं, सारी फ्लाइट रद्द हो गई है, चारों ओर से गोली और बम धमाकों की आवाज आ रही है, हमारे पास खाना भी खत्म हो गया है और हम एक बंद कमरे में बंद हैं। वीडियो देखने के बाद हिमांशु की मां माया मौर्य अपने आंसू नहीं रोक पा रही हैं और अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि रूस क्यों नहीं चाहता यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो। दरअसल नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। आपको बता दें कि अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो गए, जिसमें एस्टोनिया और लतविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन का खोना रूस के लिए एक शरीर क्या अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। हेलो, मेरा नाम हिमांशु राज मौर्य है और मैं निश्रित शर्मा हूँ। मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी का रहने वाला हूँ और मैं महाराष्ट्र नवी मुंबई से हूँ। मैं खारकिव नेशनल मेडिकल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और यूक्रेन पढ़ने आया था MBBS के लिए और मैं यहाँ फंस चुका हूँ रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। और मैं भी खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ फर्स्ट ईयर। अभी हम सब बंकर्स में हैं क्योंकि बहुत तेज शेलिंग्स हुआ है और बॉम्बार्डिंग बहुत ज्यादा साउंड आया उसका। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प करें और इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ से निकालें। मेरे साथ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यहाँ पे, भी बहुत है, पूरा पैनिक सिचुएशन है बंकर्स के अंदर, सिचुएशन बहुत ज्यादा है, ऐसे बैठे हैं अभी सब लोग बैठे हैं। और प्लीज होप कि श्री PM नरेंद्र मोदी जी हमारी हेल्प करें और जल्दी से जल्दी यूक्रेन में हमारी हेल्प करें हमें इवैक्यूएट करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम माया मौर्य है। अभी जो बच्चे विदेश में फंसा हुआ आपका क्या स्कूल का मामला है? मेरा नाम माया मौर्य, मैं कलेक्ट्रेट सीपरी में साइग्रेड 2 पद पर पदस्थ हूँ और मेरा बेटा यूक्रेन पढ़ने गया है। मैं MBBS करने गया था लेकिन उसकी प्रथम वर्ष है, वो वहाँ पे बहुत मतलब युद्ध हो रहा है तो बच्चे घबराए हुए हैं, गोला बारूद की आवाज़ें आ रही बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत घबरा रहे हैं बच्चे लोग। और खरगी सिटी में है, वो यूक्रेन की खरगी सिटी में है, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था लेकिन वो सब बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमको बुला लो बुला लो, लेकिन बच्चों की कोई गुहार नहीं सुन रहा। कैसे, क्या हालत है वहाँ की अभी बच्चे की? वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, सभी बच्चों का खाना खत्म हो गया, रो रहे हैं सभी बच्चे। तो सरकार द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से और सिंधिया जी से निवेदन कर रही हूँ कि मेरे को बच्चे को सभी बच्चों को वहाँ से इंडिया के सारे बच्चों को निकाल के लाए, वो बहुत परेशान हो रहे हैं उस जगह पे। और आपका बच्चा उसके साथ अपने और घर की है? वहाँ पे मेरा बच्चा है, वहाँ पर कम से कम 30-40 450 के लगभग है खरकी गाँव में, लेकिन और भी मुझे कुछ मालूम नहीं है, उससे ज़्यादा भी ये बता रहे हैं बच्चे लोग आसपास की यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन खरकी में जो बच्चे उसके साथ 50 बच्चों के साथ एक उसके तल घर में दबे हुए हैं बच्चे, वो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और वो घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, रो रो के वो चिल्ला रहे माँ बाप को, मैं हमें मम लो फोन आवाज़ आ रही है और हम उनसे संपर्क में हैं लेकिन बच्चों रोने की आवाज़ आ रही, सब बच्चे चिल्ला रहे कि हमको निकलवाओ निकलवाओ। आपकी लास्ट कब बात हुई थी? मेरी लास्ट आज शाम को 5 बजे हुई थी और उसका कहना था माँ यहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक एरिया है, बहुत सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, हमको खाने को कुछ नहीं है,
पानी भी नहीं मिल रहा, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, और बहुत रो रहा है। मैं गुहार लगा रही हूँ कि मेरे बेटे और सभी बच्चों को इंडिया जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे इतना खतरा है कि बच्चे रहने के लिए घबरा रहे हैं, एक एक पल उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है। इसके बारे में आपने अभी किसी से अधिकारी से बात की? मैंने इसके बारे में कलेक्टर महोदय को पत्र डीओ लेटर लिखा है, अब वो मिले नहीं थे, आज साइन हो रहे हैं उनके, और मेरे अंकुर सर और शिवानी मैडम डिप्टी कलेक्टर अंकुर सर, उन्होंने मेरे को डीओ लेटर लिखा, उन्होंने मेरे को मुझको समझाया कि घबराने की बात नहीं है, बच्चे तुम्हारे सेफ रहेंगे। सिंधिया जी, उन्होंने प्रमुख सचिव को पत्र भी भेज दिया है मेरे द्वारा। अभी जाइए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी से, सिंधिया जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा और मेरे सभी बच्चों को, इंडियन को, यहाँ से वहाँ से लाया जाए।